हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं मनोज खंडेलवाल यूट्यूब क्लासेज चैनल हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। कामों का मतलब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और जो काम आपको दिया जा रहा है उसको यथासंभव तय समय पर बिल्कुल कर रहे होंगे। आएगा जो टॉपिक हमने छोड़ा था उस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक था बैंक। और बाइक, ये वाक्य चल रहा था और इस वाक्य में हम इतना बता चुके थे कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर अपन तीन प्रकार पढ़ चुके थे और रचना के तीनों प्रकारों में सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। एक बार दोबारा कि इनके योजक शब्द मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप भी लय में बोलना। दोस्तों बड़ा आनंद आता है जब अपन लय में बोलते हैं ना किसी चीज़ को, तो एक लयात्मक जो स्वर होता है ना उसको बताने का मजा ही कुछ अलग होता है। जैसे अपन संयुक्त वाक्य के बोले मैंने और मिश्रित के दोनों जॉइंट में एक बार बोल करके, अब अपन ना यहाँ चलेंगे अर्थ के आधार पर ये, और लिखनी हमें बस जो आठ प्रकार के होते हैं, इन आठों प्रकारों का आज अपन बोध कराएंगे। तो उसके बाद संयुक्त, उससे पहले अपन बता देते हैं, एक बार और बता देता हूँ वो लाइन ताकि आप ना भूलें, संयुक्त और मिश्रित। गौर से सुनना कि पर परंतु लेकिन किंतु और तथा एवं इसलिए इत्यादि जा आ जाते हैं, संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। मिश्रित का देखना कि जो जो सो सो जब जब तब तब जब तक तब तक जब से ज्यों ज्यों त्यों त्यों जैसा की वैसा की छोटी की बड़ी की यद्यपि तथापि ये जहाँ आ जाते हैं, मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। अब देखते अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना वो आठ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के। मैं ना थोड़ा सा पहले नाम लिख दें। सबसे पहले अपन एक वाक्य लिखेंगे कथनात्मक, इसे कथनात्मक कहें या विधानवाचक वाक्य कहें या सकारात्मक वाक्य कहें या सामान्य वाक्य कहें, सामान्य वाक्य कहें। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध होता है या सबके सामान्य कथनों का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या अवस्था का बोध होता है वहाँ सकारात्मक वाक्य, सामान्य वाक्य, कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे उसकी माँ बहुत बीमार है, अवस्था है, गुड़ बोले बोले अवस्था है। जैसे अपन ये बात बता दें लड़कियां पुस्तक पढ़ रही, सामान्य कथन है। तो जहां सामान्य कथन हो या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का बोध हो उसे अपन कथनात्मक, विधानवाचक, सामान्य वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। नंबर टू, नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। इंग्लिश में इनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको पता है नो, नहीं, ना, जहां किसी कार्य का निषेध हो, मना का भाव आ रहा हो, इसमें नहीं ना मत लगा करके इस वाक्य को अपन बना सकते हैं। जैसे जैसे अपन यू कहें ना नहीं होने पर भी भाव नकारात्मक होगा, कभी 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 ना नहीं होता है फिर भी भाव कैसा होता है? नकारात्मक होता है। जैसे मैं पानी नहीं पीऊँगा, नकारात्मक है। मुझे नहीं पढ़ना, नकारात्मक है। लेकिन कभी कभी ना नहीं होता है फिर भी भाव नकारात्मक होता है।
कैसा होता है? नकारात्मक। तीसरा वाक्य देखें, अज्ञार्थक वाक्य। दोस्तों अपन जब अज्ञार्थक बात की बात करते हैं तो जैसे किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं ना, वो अज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। इसे भी अपन विधिवाचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे कमरे से बाहर निकल जाइए, निर्देश दिया गया। क्या दिया गया? निर्देश। आगे चलेंगे जब लगातार इसमें चलते जाएंगे, पहले दिन का नाम देख लेना। प्रश्नवाचक वाक्य, मैंने आपसे कहा था जिस तरह सरल वाक्य कथनात्मक वाक्यों को नकारात्मक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार इनको प्रश्नवाचक वाक्य की कैटेगरी में भी बदला जा सकता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ तुम यहाँ कब से रह रहे हो, एक भाव हुआ प्रश्न पूछने का। तुम यहाँ कब से रह रहे हो, एक भाव हुआ कि नहीं हुआ प्रश्न पूछने का। तो जहाँ प्रश्न पूछने का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। पांचवा आया इच्छावाचक वाक्य, जिसमें मेरी कोई डिजायर है, मेरी कोई इच्छा है, भगवान करे आपकी मंगल कामना पूरी हो, भगवान करे आप पास हो जाए, ईश्वर करे आप कलेक्टर बन जाए, तो ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं परकम्मा दे जाऊं, मेरी इच्छा है। तो जहाँ इच्छावाचक वाक्यों में जहाँ अपनी खुद की इच्छा का बोध होता है ना, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। बाद में उदाहरणों के माध्यम से हम आपको अलग अलग समझाएंगे। छठवां देखें, संदेहवाचक। कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक। आपको पता है डाउटफुल जो होता है, हमें लग रहा है कि ये डाउटफुल हो सकता है, तो जो संदेहवाचक वाक्य है इन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की स्थिति व्यक्त करता है, प्राय संदेह की स्थिति व्यक्त करता है। शायद आज बारिश हो, अरे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमें यह संदेह उत्पन्न हो रहा है, शायद आज बारिश हो। और सातवां आता है हमारा ये आपने देख रखा है, अलग अलग चलेंगे इनको पढ़ाते चलेंगे अपन। हर्ष, घृणा, बोध, आश्चर्य आदि का जो भाव होता है वो विस्मयादि वाक्य कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम वैसे पढ़ चुके थे थोड़ा नॉर्मल इनके बारे में, लेकिन अब स्पेशल भी अपन करके देख लें एक्सक्लेमेटरी वाक्य सेंटेंस होता क्या है। और लास्ट में है संकेतवाची या शर्तवाची, शर्तवाची या संकेतवाची। यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाते, यानी जहाँ कंडीशन शर्त जुड़ी हुई है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इस तरह ये आठ सेंटेंस हैं। कितने हैं दोस्तों? आठ। अब इन आठों को अपन एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सब आठों को एक एक करके अपन पढ़ते चलेंगे। देखें चलते चले, नंबर एक कथनात्मक। नाम बता दिया था मैंने, विधानवाचक। सकारात्मक। सामान्य। तो दोस्तों जहाँ अपन नॉर्मल वे में कोई कथन कह रहे हैं, सामान्य जो कथन है या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है वो कथनात्मक या सामान्य या सकारात्मक, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, कहा जाता है। तो लिखें सामान्य कथन या किसी व्यक्ति या
वस्तु की स्थिति का बोध कराने वाले शब्द कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं, अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं सब कैसे होते हैं, कैसे प्रकार के होते हैं। देखो, राधा की माँ बहुत बीमार है। अब ये अवस्था हुई, मैंने कहा था स्थिति या अपन यहाँ अवस्था लिखना ना, ये क्या हुई, अवस्था हुई, बहुत बीमार है। अब ऐसे लिख देते ना, जैसे बीमार है सामान्य कथन है, लेकिन बहुत बीमार है अवस्था होगी, कितनी बीमार है अवस्था होगी। अब जैसे मैं जो कहूँ कि राधा पुस्तक पढ़ती, सामान्य कथन, तो जहाँ सामान्य कोई कथन हो, राम आम खाता है, राम बाजार जाता है, शिला बिस्तर पर सोती है, ये सब जो नॉर्मल कथन है वो सब सामान्य वाक्यों की कैटेगरी में आते हैं, कथनात्मक वाक्यों की कैटेगरी में आते हैं। और जहाँ अवस्था का बोध होता है वह भी सामान्य या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा देखें, निषेधात्मक कहते हैं इसको, इन वाक्यों में कथन का निषेध पाया जाता है। निषेध जानते हो, मना, जिसे अपन कभी कभी बोर्ड पर, कभी कभी कहीं अपन जाते हैं जो लिखा होता है ना, धूम्रपान निषेध है, कमरे में प्रवेश निषेध, निषेध करते हैं मना, किसी चीज़ का मना। तो जहाँ जो वाक्य कहा जा रहा है ना, उसका मना यानी कथन निषेध पाया जाता है, कि जिस काम को अपन कह रहे हैं ना उसका नेगेटिव रोल पाया जाता है, अर्थात मना का भाव पाया जाता है। देखिए, सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक, सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में न या मत लगाकर लगाकर निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं सामान्यतः। देखिएगा आगे दोस्तों, जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब ये ना, मैं खाना खाऊंगा, ये साधारण वाक्य हुआ, मैं नहीं खाऊंगा, तो सकारात्मक वाक्यों में नहीं लगा करके भी अपन, मत लगा करके भी अपन निषेधात्मक वाक्य बना देते हैं। तीसरा देखें, आज्ञार्थक वाक्य, अपन ना किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं,
तो आज्ञा दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं, तो वहाँ भी अपन आज्ञार्थक वाक्यों को कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ किसी को निर्देश देने का जब भाव हो वहाँ आज्ञार्थक वाक्य होता है। लिखें जिन वाक्यों में आज्ञा निर्देश का भाव होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब देखो जैसे मैं किसी से कहूँ आप कमरे से बाहर निकल जाइए। अब देखो एक प्रकार का ऑर्डर दे दिया, आप कमरे से बाहर निकल जाइए, तो यहाँ क्या छिप गया, आदेश छिप गया। कृपया आप, तो वो तो आगे हुई, तो आज्ञार्थक यहाँ से आप खड़े होकर के जाइए, ये सब क्या है आज्ञार्थक। क्या है भाई साहब वो आज्ञार्थक वाक्य। चौथा देखें, लिखते जा रहे हो ना आप, हाँ लिखते रहो, अरे लिखने में इतना टाइम मत लगाया करो। प्रश्नवाचक वाक्य, इंग्लिश में बोलते हैं ना इनको इंटरगेटिव सेंटेंस, उसी प्रकार हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। दोस्तों कि जिस तरह सामान सकारात्मक वाक्यों को, मैं थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश में हूँ आज, नकारात्मक वाक्यों में बदला जा सकता है, उसी प्रकार सकारात्मक वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जा सकता है। सकारात्मक वाक्य बनाए जा सकते हैं उसी प्रकार सकारात्मक वाक्यों से। इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है, जैसे आप घर कब आओगे, कब क्यों कहाँ कब कैसे, इंग्लिश में तो इनको बोलते हैं डब्ल्यू एस सेंटेंस, कब कहाँ क्यों कैसे किस प्रकार, इंग्लिश में तो बोलते हैं ना सो मच हाउ, तो कितना दूर कितने पास, ये सब सारी बातें ना किस में आएंगी प्रश्नवाचक वाक्यों में, किस में आएंगे प्रश्नवाचक वाक्यों में। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है ना वो हमारा वो होता है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य पांचवा, डिजायर अपनी है, हाँ गाड़ी में समझ लो ना डिजायर गाड़ी भी आ रही है, इसमें इच्छा में वक्ता अपने लिए
इसमें वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे ईश्वर करे कि मेरी नौकरी लग जाए, जैसे दूसरा जो कहें ईश्वर करे श्याम पास हो जाए। तो जो इच्छा है ना, जो डिजायर है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे किसी दूसरे के लिए हो, तो वक्ता जो है, कहने वाला जो है, या तो अपने लिए कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है या सामने वाले किसी दूसरे पर्सनल या तीसरे थर्ड पर्सन के लिए कोई इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे ही अगला जो वाक्य होता है ना, वहाँ छठवां जो होता है, थोड़ा फास्ट चलें आप, संदेहवाचक। इसमें प्राय संधि का भाव पाया जाता है। और भाई जहाँ डाउट होता है ना, वहाँ कोई भी कार्य अपन खुले मन से नहीं कर सकते, पता नहीं जन होगा या नहीं होगा। तो जहाँ डाउट तो किसी भी चीज़ में हो दोस्तों, जहाँ डाउट पैदा हो गया वहाँ किसी कार्य को करने में मन लगता ही नहीं है। इसलिए जो भी काम करो विदाउट डाउट करें, क्योंकि जहाँ डाउट पैदा हो जाता है वहाँ कार्य करने में कोई मज़ा नहीं आता। तो सेम वही ये वाक्य है कि जहाँ संदेह का भाव पाया जाता है वहाँ संदेहवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण में देखो, आज शायद आज बारिश हो। अब नुकी नहीं, आज तो बारिश होगी, डिटरमाइंड है वहां, संदेह है ही नहीं, लेकिन इसमें हमने क्या लगा दिया, शायद आज बारिश हो। मैं यूं कहूं, हो सकता है कि आज धूप नहीं निकले। अभी कोई जरूर थोड़ी है धूप निकल भी सकती है, धूप नहीं भी निकल सकती है। तो हो सकता है कि आज धूप ना निकले। तो ये सारी जो बातें हैं संदेह पैदा कर रही हैं, पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बारिश होगी नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सातवां देखें, विस्मयादिबोधक वाक्य। मैंने बोला ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, चिन्ह के रूप में इस तरह व्यक्त करते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, हर्ष घृणा शोक आश्चर्य और भी सावधानी सूचक आदि का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इनका अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में मान लो हिंदी में हर्ष है, इंग्लिश में तो आता है HURRA, होर्रा, हिंदी में इसको शब्द दिया गया होर्रे। घृणा है, हिंदी में इसके लिए शब्द दिया गया छी,
शोक है। हिंदी में इसके लिए शब्द दिया हाय, आश्चर्य, अरे, ओ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि दोस्तों चेहरे के मोशंस बदल जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। हिंदी में जैसा भाव होता है ना, कोई किसी से नहीं कहता कि आप अपना चेहरे के एक्सप्रेस जो बना रहे हैं ना, हब्बा बना रहे हैं, उन्हें व्यक्त करो। नहीं जी, ये तो स्वाभाविक क्रिया है कि जैसा दृश्य होता है ना, हम उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक रूप में अपना चेहरा आकार बदल लेता है, भाव बदल लेता है। दोस्तों करें क्या, मान लो मैंने कहा हो रे खुशी की कोई चीज़ हो रही है, मान लो अपन किसी चीज़ को जीत गए, क्रिकेट के मैदान हुए अपन जीत गए और वो 3 डंडा से उखार के लाने, भीड़ जो पूछती है कि क्या हुआ, तो अपन ऐसे रोए रोए का मुंह थोड़े बनाएंगे, हो रे हम जीत गए, ऐसा नहीं होता, कहेंगे हो रे हम जीत गए, तो अच्छे खुशी का भाव हुआ। मान लो हाय, आजकल तो हाय के अर्थ ही बदल दिए दोस्तों, मैं कहूँ तो कहूँ क्या, हाय शब्द दुख का प्रतीक है। मान लो कोई हमारा दुश्मन भी मर गया, अपन के प्रेम पड़ोसी जो भी होते हैं उनकी बात तो अलग है, दोस्तों की बात तो अलग है, लेकिन मान लो कोई दुश्मन मर गया और वहाँ अपन बैठ के आ रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो अपन हंसते दौड़ के हाय वह मर गया, अरे नहीं, हमारा चेहरा अपने आप उदास होकर बोलेगा, जैसे बोलेगा हाय वह मर गई, इस तरह व्यक्त करेगा भावों को। अब देखो छी, घृणा की कोई वस्तु होती है, मान लो अपन रास्ते में जा रहे हैं पगडंडी पर, हमारा पैम उस पर भच्छ देसी ने गिर जाता है अपना पाम, तो मुँह बिल्कुल तुम जानते हो कैसा होता है, छे कितनी गंदी बात है। कोई मान लो थर्ड क्लास हमारे साथ पढ़ता था, थर्ड डिवीजन पास होता था, आज वो कलेक्टर बन जा, गाड़ी मुँह को निकलो, अरे तू कलेक्टर हो गया, तो आश्चर्य का जहाँ भाव बोध हुआ, घृणा का जहाँ भाव बोध होता है, वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। लास्ट बोलो, लास्ट है संकेतवाची या शर्तवाची। लास्ट देखो, इसे अपन इसमें ना किसी कथन की पूर्ति का बोध पाया जाता है, शर्त भी दिया जाता है, साफ शर्त देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी। तो जहाँ शर्त का बोध हुआ है, शर्तवाची या संकेतवाची वाक्य होता है, इन वाक्यों में किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इन वाक्यों में किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, लिख देता हूँ, इन वाक्यों में किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य कहते हैं। यदि तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगा, तो इस तरह ही जो शर्त दी गई, तो जब विधान का पूर्ति होती है वहाँ, तो दोस्तों मैंने 8 प्रकार के वाक्य बताए, वाक्य कंप्लीट हो गए हैं, आज आपको ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, आज तक के लिए इतना। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, पढ़ते रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज खंडेलवाल आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, आप भगवान से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और कि आप पढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ।